संतो एक किसान था जो खेती करके अपना गुजर बसर करता था, खेती से अपना रोजगार करता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था और उसने अपने पशुओं को भी पाल रखा था। स्टूडेंट्स अब क्या हुआ कि गांव में अकाल पड़ गया, दो साल से अकाल पड़ने से उसकी रोजगार छिन गया, उसके खाने पीने की चीज़ों में, सुविधाओं के चीज़ों में कमी आने लगी, वो परेशान रहने लगा। तो क्या किया जाए, अपने पशुओं का और अपने परिवार का पेट कैसे पाला जाए? तो उसने सोचा कि उसके जो पास का गांव था, जो उसके भतीजे का गांव था, उसमें वर्षा अच्छी हुई थी, उसमें बारिश अच्छी हुई थी, तो उसने सोचा कि मैं अपने परिवार और अपने पशुओं को लेकर अपने भतीजे के गाँव में चला जाता हूँ, वहाँ पर जाकर अच्छे से खेती करूँगा, अच्छे से कमाई करूँगा, वहाँ जाकर अपने पशुओं को पालूंगा और अपने परिवार का पेट का भरण पोषण करूँगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट वो अपने परिवार को लेकर, अपने पशुओं को लेकर अपने भतीजे के गांव में चला गया, वहाँ पर रहने लगा, वहाँ पर खेती बाड़ी करने लगा, दूसरे की जमीन पर खेती करने लगा। इसी तरीके से स्टूडेंट वो अपने जीवन व्यापन करने लगा। उसने एक अपना मकान, छोटा सा मकान किराए पे ले लिया, किराए पे लेकर वो वहां पर रहने लगा। अब उसको सबसे पहले तो किस किस चीजों की समस्याएं आई, सबसे पहले तो मकान की है, उसको मकान किराए पर लेना पड़ा। पहले जहां पर उसको अपने बड़े मकान में रहता था, अब वो एक छोटे मकान में, उसी मकान में खाना पीना रहना सब कुछ उसी कमरे में हो गया। स्टूडेंट इसके अलावा वहीं पर फिर उसे काम ढूंढना पड़ा, किसी दूसरे के खेत में मजदूरी करके अपने पशुओं का, अपने पेट का पालन पोषण करने पड़ा। फिर थोड़े दिन बाद में उसके पास में खबर आई कि उसके गांव में अच्छी बरसात हुई है, इस साल उसके गांव में अच्छी बरसात हुई है। तो फिर वो वापस अपने गांव को लौट गए, वापस अपने पशु और परिवार को लेकर अपने गांव को लौट गया। एक कारण तो ये था। दूसरा, इस पार्ट में दूसरी फैमिली धीरज के बारे में बताया है। धीरज के क्या काम कौन था, एक पुत्र और एक पुत्री थी। गांव में अच्छी शिक्षा, 12th तक की उसने अच्छी पढ़ाई प्राप्त कर ली, उसके बेटे ने, बेटी भी 2 साल के बाद में उसको भी अच्छी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसको शहर जाना था। तो उसने सोचा, और वो क्या कार्य करता था, वो दैनिक मजदूरी करता था, यानी रोज कमाता था और रोज अपने परिवार का पेट पालता था। तो उसने सोचा क्यों ना मैं भी, जब मेरा बेटा वहां पर जाएगा उसको किराए का मकान दिलाना पड़ेगा, उसके खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो मैं क्यों नहीं मैं भी उसके साथ में शहर में चला जाऊँ, वहीं पर कमाऊंगा और अपने बच्चों का भी ध्यान रखूंगा, वहीं पे उसके दोनों बच्चे भी पढ़ेंगे और खर्चा भी कम होगा और वहीं पे हम सब रह लेंगे। तो उसने ये सोचकर वह अपने परिवार को साथ में लेकर शहर की तरफ आ गया, जहाँ पर अच्छा उच्च शिक्षा के लिए अच्छे कॉलेज वगैरह बने हुए थे, वो ऐसे शहर में आ गया। वहाँ पे उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। सबसे पहली समस्या थी उसको मकान। स्टूडेंट आपने आसपास में बहुत सारे लोग देखे होंगे जो किराए पे मकान लेके रहते हैं, उन लोगों का यही कारण होता है कि कोई पढ़ाई के लिए, कोई काम के लिए सब अपने गांव से एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान से आ जाते हैं। इसी प्रकार से धीरज भी आया था। अब उसके सामने एक समस्या पैदा हो गई, क्योंकि यहाँ पर किराए आप जानते हैं शहर में महंगे मिलते हैं, शहर में महंगाई बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ गाँव में सस्ते होते हैं सामान, वस्तुएँ सस्ती होती है, वहाँ शहर में उतने ही महंगे होते हैं। स्टूडेंट्स इसी कारण से उसे कमरा शहर से दूर लेना पड़ा, शहर से उसे वहाँ पे दूर एक सस्ता कमरा लिया, एक ही कमरे में वो रहना, खाना पीना पढ़ना उठना बैठना सब कुछ उसको गुजारा एक कमरे में करना पड़ा। फिर भी स्टूडेंट्स खर्चे उसके कम नहीं हुए, तो जो दिन में काम करके पेट भरता था अब उसे 2 बार काम करना पड़ा, वह रात को दिन में मजदूरी कर
धन्यवाद, थैंक यू।